वीडियो में हम बताने वाले हैं YouTube पर स्टोरी को कैसे डाला जाता है या फिर YouTube पर जो स्टोरी आती है वो किस तरह से डाली जाती है। बेसिकली इस वीडियो में हम YouTube पर स्टोरी डालना आपको सिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। YouTube पर स्टोरी डालने के लिए सबसे पहले हम YouTube एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वेट करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा YouTube एप्लीकेशन ओपन हो गया तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे चार आइकॉन आ जाते हैं हमारे सामने, तो ये सभी के फ़ोन में लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से ये आइकॉन आ जाता है। खैर यहाँ पर मैं आपको इस तरह से दिखा दूँ तो ये आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे। इस आइकॉन को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऐड टू योर स्टोरी वाला फीचर आ चुका है हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने लिखा है ऐड टू योर स्टोरी, मतलब इसका बेसिकली क्या फ़ायदा है या फिर क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप अपनी स्टोरी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बारे में कुछ जो आपकी डेली लाइफ में हो रहा है या फिर आप जो अपने चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ कोई भी फोटो वीडियो शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं स्टोरी के माध्यम से। यहाँ पर स्टोरी डालने से कोई भी कॉपीराइट वगैरह आने के जो चांस है वो नहीं होते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऐड स्टोरी पर क्लिक करेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये होगा अगर आप अपने फ़ोन पर ट्राई करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऐड स्टोरी का ऑप्शन कभी कभी नहीं आता है, तो ये क्यों नहीं आता है? तो ये स्टोरी का टैब उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि बहुत बड़े क्रिएटर है या फिर बड़े तो नहीं, मतलब जिनके सब्सक्राइबर लगभग 15-20 हज़ार से ऊपर हो चुके हैं और उनका चैनल मोनेटाइज वगैरह है, तो उन्हें को ये स्टोरी टैप मिलता है। सभी को ये स्टोरी टैप नहीं मिलता और खासकर नए यूट्यूबर्स के लिए जो नया चैनल स्टार्ट करते हैं जिनके पास अभी 1K सब्सक्राइबर नहीं है या फिर 10 हज़ार सब्सक्राइबर नहीं है उनको तो ये बिल्कुल नहीं मिलता। तो हमारे पास आ चुका है, अगर आपके पास भी आ चुका है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे स्टोरी डालने के लिए। इसके बाद हमारे जो फ़ोन का कैमरा है वो खुल जाता है, लेकिन हमें कैमरे से नहीं वीडियो डालनी है या फिर अगर डालना चाहते तो आप डायरेक्टली ऐसे फोटोशूट कर सकेंगे। यहाँ पर नीचे गैलरी का ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर गैलरी भी लिखा हुआ है, गैलरी का एक सिंबल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो भी हमारे गैलरी में फोटोज वीडियोज है वो यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं यहाँ से एक फोटो आपको अपलोड करके दिखाऊंगा इधर गैलरी के तौर पर। तो मेरे पास कई सारी फोटोज वगैरह है तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो अपने ले लेता हूँ जो कि मैं यहाँ पर डालकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए एक फ़ोटो मैं ढूंढ लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर अच्छी लगे या फिर मैं डाल सकूँ। तो यहाँ पर मैं ये फ़ोटो डालने वाला हूँ कटना कैफ वाली, इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर ये फोटो आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारी स्टोरी डालने के लिए। यहाँ पर स्टिकर वगैरह भी आप लगा सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर मैंने जैसे क्लिक किया यहाँ पर आता है पोस्ट टू योर स्टोरी का ऑप्शन। यहाँ पर डोंट शो दिस मैसेज अगेन, इसको आप टिक लगा सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट के ऑप्शन पर, यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर अपलोडिंग के बाद स्टोरी आ चुका है, व्यू में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो स्टोरी है वो अपलोड हो जाएगी कुछ ही टाइम बाद। तो इस तरह से आप भी अपनी स्टोरी को ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो हमारी स्टोरी थोड़ी देर में ऐड हो जाएगी, आपको वेट कर लेना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।